तो बेसिकली इट्स नॉट अ टेक्निकल चैनल, इट्स अ नॉर्मल ब्लॉग चैनल, और मैं आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ सिंस अ ईयर, और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है इसके साथ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ब्लॉग कर रहा हूँ ये फोन के साथ, और आईफोन 12 ऑलरेडी मैंने देख लिया है, तो मुझे काइंड ऑफ एक आइडिया है कि क्या है क्या नहीं, तो मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो ब्लॉग देखते रहिए एंड तक। एक दिन तो आना ही था कि मैं मेरा वर्कआउट एटलीस्ट चालू कर लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा हूँ कि नहीं मेरे को एक शेड्यूल फिक्स करना है वर्कआउट के लिए, हाफ एन आवर क्यों ना हो, पर करना ज़रूर है, और वो आज दिन आ गया है। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं ये शेड्यूल रीशेड्यूल करने के लिए एक्चुअली मुझे लगे वन वीक पहले प्लान किया था कि नहीं मुझे वर्कआउट के लिए एक छोटा सा पीरियड निकालना है, बट वो निकालते निकालते मुझे 1 वीक लग गया, और 1 वीक बहुत कठिन रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना गंदा हो गया था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, कब सो रहा, कब उठ रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, उसके वजह से हर जगह से फेल क्या हुए थे, सभी फेल थे। बट हमें प्रॉपर बॉडी शेप में आना है, एटलीस्ट अपने को सिक्स पैक्स नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट प्रॉपर बॉडी शेप, क्योंकि अभी अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है प्लेन को जाने दो, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2-3 लोग को कैरी कर रहा हूँ, मतलब चलते टाइम तो इतना वेट पुट ऑन हो गया, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो अर्जेंटली करना है पड़ेगा अर्जेंट बेसिस पे, तो अभी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा प्यारा सा वर्कआउट हो चुका है, ज़्यादा मैंने किया नहीं क्योंकि ज़्यादा मुझे स्ट्रेच करना नहीं था, क्योंकि फर्स्ट डे है, और देखते कल से अपन रेगुलर हो गए सुबह से, तो हाँ पर कल से पक्का होगा, कल से पक्का सुबह रेगुलर एक नॉर्मल वर्कआउट करेंगे, आज फर्स्ट डे था इसलिए मैंने ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया, तो इसलिए छोटा सा वार्म अप हो गया है, और इतने छोटे से में हवा टाइट हो गया, मतलब अपन समझ रहा है कि बॉडी कौन से स्टेज में पहुँच चुकी है, तो कुछ सीरियसली मेजर करना होगा अभी, अगर सीरियसली नहीं लिया तो और वाट लग जाएगी, तो कल से पक्का। पता नहीं यार कौन से ऐसे मच्छर के सुबह सुबह मच्छर काट रहे हो वर्कआउट के टाइम, तो एनीवेज तो मेन बात के ऊपर आते हैं, जो कि टॉपिक है अपना आज के वीडियो का, आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12। तो मैं आपको सीधा सीधा क्लियर बता दूँ, तो अगर आपके पास 20-30,000 एक्स्ट्रा है तो आप ज़रूर जाके ले सकते हो आईफोन 12, बट आपको वैल्यू फॉर मनी अगर चाहिए कौन सा आईफोन ब्लॉगिंग के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन अभी के लिए फिलहाल आईफोन 11 है, क्योंकि आईफोन 11 के डील्स बहुत मतलब फाड़ू आ गए, 46,000-45,000 का आपको मिल रहा है आईफोन 11, अगर आप ऑफिशियल पे जाओ तभी भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं 54,000 का आपको मिल रहा है, और प्लस उसके एयरपॉड्स भी कुछ फ्री है वर्थ 14,000 का, तो बेस्ट डील है अभी के लिए। और रहा सब व्लॉगिंग कैमरा का, तो मेजर डिफरेंस आया नहीं है कंपेयर टू XR और 11, XR में वाइड एंगल नहीं था, 11 में वाइड एंगल था, तो ये बहुत मेजर चेंज आ जाता है आपको 11 में मिल जाता है, बट अगर 11 से आप 12 पे शिफ्ट हो रहे तो कुछ अपग्रेडेशन आए हैं जो ज़्यादा इतना वैल्यू नहीं करते, अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर आपको बजट है 20,000-30,000 एक्स्ट्रा पे करने का तो ज़रूर जाके 12 ले लो, बट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी अगर कौन सा फ़ोन चाहिए और अभी डील बहुत सरस आ रहे हैं तो ज़रूर जाके आईफोन 11 ही चूज़ करना, क्योंकि अगर आप देखोगे बैटरी कैपेसिटी भी मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है, डिस्प्ले क्वालिटी मतलब जो स्क्रीन है आपका वो क्वालिटी एनहांस हुआ है, क्या हो रहा है 2000 स्टेप्स कंप्लीट आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे चलेगा, हाँ तो आपको मैं वही बोल रहा था कि बैटरी कंपैरिजन तो सेम ही है, रहा सवाल डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले आपको अगर व्लॉग कर रहे हो तो ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपको कैमरा से लेना देना है, और वाइड एंगल तो आपके पास 11 में है, तो थोड़ा सा अपग्रेड हुआ उसमें, स्टेबलाइजेशन और ज़्यादा बेहतर हो गया, हवा आ रही है तो मैं कहीं अंदर चले जाता हूँ, और स्टेबलाइजेशन उसमें और इम्प्रूव किया गया है, बट आपको अगर ज़्यादा इतना डिफरेंस लगेगा नहीं, और चिपसेट ऑब्वियसली अपग्रेडेड है तो 11 भी कुछ कम नहीं है उससे, क्योंकि 11 अभी रिसेंट है, ऐसे नहीं जैसे 4-5 साल पुराना है, और आपको अगर ब्लॉक करना है तो आपको सब कुछ मिल रहा है, मेन बात तो ये है कि आपको डील बहुत मस्त मिल रही है, मतलब
क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तो अराउंड 63,000 था, फिर बाद में वापस से कम हो के वापस से 67,000 तक गिर गया था, मतलब बढ़ गया था क्योंकि वो टैक्सेस वगैरह ज़्यादा बढ़ गया था बीच में, GST कुछ ऐसा सीन हुआ था, बट हाँ इसका प्राइस बढ़ गया था और डायरेक्ट आपको मिल रहा है 54,000 या फिर 46,000-47,000 में। तो बेस्ट डील मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आपको अगर कुछ प्लान कर रहे हो मोबाइल लेने का, गो फॉर इट, आईफोन 11 इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो रहा सवाल वर्कआउट का, तो वर्कआउट का ऑलरेडी कुछ लोगों का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी दिवाली आ रही है और दिवाली में घर साफ करना मतलब एक अलग अनदर लेवल का वर्कआउट होता है, और जो मेरे घर पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और आपके घर पे भी मोस्ट प्रोबेबली चालू हो गई होगी, या फिर किसी की कब की हो गई भी होगी और कोई अभी स्टार्ट भी करने वाला होगा। फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ गई है कि और मैं एक रील्स बनाऊँ, जो इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी मैंने बनाया था वैसे ही और एक सिमिलर सा बनाऊँ, बट उसमें और इमेजेस ऐड करो और प्लेसेस को ऐड करो, बट अगर मैं सेम चीज़ वो फिर से बना तो कुछ ज़्यादा सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि जो वो प्लेसेस थे जहाँ पे मैं खुद विजिट करता था मैंने वो प्लेस डाले, और जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है कि लोग कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं वो प्लेसेस को लेके मैंने वो रील्स बनाया था एक्चुअली। तो आपके मुताबिक कोई और प्लेस हो सकता है, मेरे मुताबिक कोई और प्लेस होता है, क्योंकि जहाँ पे मैं गया था मैंने वही प्लेस सेफ लिए। पर अगर इन केस कुछ प्लान बन जाए कि मैं फिर से बनाऊँ या फिर होता है कुछ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि बनाने के लिए कुछ नहीं बट वो कनेक्ट होना चाहिए लोगों के साथ। जैसे मैंने ये बनाया था ये बहुत लोगों के साथ कनेक्ट हुआ चंबूर कर से, तो वैसे ही कुछ होना चाहिए अमेजिंग सा। तो अभी मुझे कुछ समझेगा नहीं कि वर्कआउट कैसे हुआ, जब घर पे जाऊंगा जब बॉडी पेन होगी तब रियल मज़ा आएगा। अरे यार प्लेन मत उड़ाओ यार, यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है बंदा, मेरे को बोलना पड़ेगा यार दूसरा रूट ले लो, ये रूट से भाई अपन ब्लॉक कर दे, और अपन को ब्लॉक के लिए चाहिए और प्लेन सब यहाँ पे मत उड़ाओ भाई, और से लेके जाओ बेस्ट रहेगा, और भी रूट हो गए मतलब आसमान तो ओपन ही है भाई, ऐसे भी लेके जाओ। जोक सपोर्ट वर्कआउट तो बोल नहीं सकते, बट हाँ एक वार्म अप हो गया और वार्म अप अभी घर पे आके पता चलेगा, बॉडी जब पेन होगी मस्त वो रियल एक मज़ा होता है कि फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे वो होता है, फिर उसके बाद आपका बॉडी यूज्ड हो जाता है उसके लिए, तो मज़ा आएगा। और अभी देखते हैं कब तक हम कंटिन्यू रखते हैं, तो क्योंकि करना तो है भाई बॉस, कुछ भी करके करना है। तो ऐसे अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करना है, यहाँ पे नाम आता होगा डिस्क्रिप्शन में, ऑलरेडी मैंने लिंक दे दिया है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ अलग स्टोरी के साथ, टिल देन स्टे कनेक्टेड।